हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे। लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था, येजुन उस ओल्ड ग्रैंपा के पास जा रहा होता है। तभी क्वंजी उसे आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। उसके बाद हम उन सबको कार में देखते हैं। यांगलिंग येजुन को कहती है, मुझे ये बात बताओ, तुमने शाओजुन को कैसे इतना जल्दी बर्बाद कर दिया। एपिसोड 14 की शुरुआत में नुवान यांगलिंग को कहती है, आंटी जब आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं तो इतना रूढ़ होने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें प्लीज और थैंक यू कहनी चाहिए। यांगलिंग गुस्से में अपनी मन में सोचती है, ये बंदा सिर्फ नुवान को इस्तेमाल करना जानता है। फिर वो गुस्से में कहती है, ओके प्लीज मुझे बताओ। येजुन उसे मना कर देता है। येजुन का बात सुनकर यांगलिंग और भी गुस्सा हो जाती है। येजुन नुवान को कहता है, मुझे अभी सिस्टर शाओयू की मदद की जरूरत है, क्या तुम उसे मुझे दे सकते हो। नुवान हां कहकर उस जेड पेंडेंट को येजुन को दे देती है। उसके बाद येजुन कार से बाहर आ जाता है। क्वंजी कहती है, सामने सेंचुरी शॉपिंग सेंटर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। यांगलिंग जाओ इसकी जांच करो। येजुन क्वंजी को कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम सब पहले वापस जाओ। यांगलिंग येजुन को देखकर गुस्से में कहती है, ये आपने आपको क्या समझ रहा है, क्या वो सोच रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दो एम्बुलेंस को देखते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। एम्बुलेंस को देखकर लोग कह रहे होते हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों खड़ा है, इसके अंदर कौन है। उनमें से एक लड़की कहती है, पता नहीं, ये एम्बुलेंस आधा घंटा पहले यहाँ आया और तभी से वो यहाँ खड़ा है। उन सबके बीच में येजुन बाहर आकर एम्बुलेंस के पिछले डोर को नॉक करता है। अंदर से ओल्ड ग्रैंपा बाहर आते हैं और वो येजुन को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर येजुन फाइनली आप यहाँ आ गए। उसके बाद येजुन और ग्रैंपा अंदर चले जाते हैं। ग्रैंपा येजुन को कहते हैं, आपने जो कहा मैं उसके बारे में सोचा, उसके बारे में बहुत सोचने की बात, मुझे लगता है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा लोगों का जाना आना होता है, लेकिन मेरा पोता इस सब इक्विपमेंट्स को नहीं छोड़ सकता, मैं सिर्फ उन्हें एम्बुलेंस को यहाँ लाने के लिए कह सकता था, प्लीज मेरे पोते को देखो, क्या आप अभी भी उसे बचा सकते हैं। येजुन कहता है, ये सभी इक्विपमेंट्स बेकार है, इन्हें निकाल दो और सबको यहाँ से बाहर भेज दो। येजुन का बात सुनकर ओल्ड ग्रैंपा का बेटा चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। डैड ये कौन है जो आप उसे यहाँ लेकर आ गए, ये बेवकूफी यहाँ मत करो। उस लड़के का माँ ग्रैंपा को कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि शाओजुन को इन इक्विपमेंट्स की जरूरत है। गाइस मैं पहले से बता देता हूँ कि जो शाओजुन अभी पुलिस स्टेशन में है उसका नाम एआई शाओजुन है, और जो अभी एम्बुलेंस में बीमार है उसका नाम सिर्फ शाओजुन है। उसके बाद उस लड़के का मॉम कहती है, शाओजुन को इन सब इक्विपमेंट्स का सख्त जरूरत है, नहीं तो वो मर सकता है। ग्रैंपा येजुन को कहते हैं, क्या आप इसके बारे में कॉन्फिडेंस है कि जो आप कह रहे हैं उसे अच्छे तरह से आप कर सकते हैं, क्या सच में आप मेरे पोते का जान बचा सकते हैं। येजुन कहता है, मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो इसे ले जाओ जो कभी भी नहीं रहने वाला। ग्रैंपा येजुन के शोल्डर पर हाथ रख के कहते हैं, मुझे आपके ऊपर बिलीव है, मैं बहुत परेशान में था क्योंकि मैं बहुत गलत बातें सोच रहा था। उसके बाद येजुन सिस्टर नर्स को कहता है, ये सब इक्विपमेंट्स को निकाल दो। उसी टाइम ग्रैंपा के डॉटर इन लॉ कुछ कहने ही वाली होती है। ग्रैंपा उसे चुप करके कहते हैं, तुम सभी सिर्फ डॉक्टर के सुनना जानते हो, लेकिन क्या डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही नहीं बताया कि वो और कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रैंपा के ये बात सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर वो सब एम्बुलेंस से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं। शाओयू बाहर आकर येजुन को कहती है, मास्टर मुझे लगती है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, अभी मुझे बहुत जोर भूख लग रही है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। येजुन उसे कहता है, इस बच्चे की बॉडी में एक ईवल स्पिरिट है, ये ईवल स्पिरिट लोगों को मार सकता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए ग्रेट सप्लीमेंट है। फिर वो कहता है, जब मैं उस ईवल स्पिरिट को बच्चे के बॉडी बाहर निकालूंगा, तुम्हें बस उसे अपनी सांस के जरिए अपनी अंदर लेनी है, इस तरह से ये तुम्हारी लेवल को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद येजुन अपने पावर से शाओजुन को हवा में उठा लेता है और अपना कोई टेक्निक को यूज करके उस ईवल स्पिरिट को शाओजुन के बॉडी से बाहर निकाल देता है और ईवल स्पिरिट को बाहर निकाल कर उस पेंडेंट में डाल देता है। शाओयू उस ईवल स्पिरिट को अपनी अंदर रिफाइन करने के बाद वो येजुन को कहती है, मास्टर ये ईवल स्पिरिट बहुत डिलिशियस था, मुझे इस तरह का ईवल स्पिरिट और भी चाहिए। उसके बाद हम शाओजुन को देखते हैं, वो अपना होश में आ जाता है और मॉम चिल्लाने लगता है। शाओजुन का आवाज सुनकर उसका मॉम डैड और ग्रैंपा जल्दी से जाकर एम्बुलेंस के डोर खोल देते हैं। वो तीनों शाओजुन को होश में आया हुआ देखकर अंदर चले जाते हैं। शाओजुन के मॉम शाओजुन को गले लगा कर कहती है, ठीक है अब शाओजुन के साथ सब कुछ हो गया है, फाइनली तुम उठ गए, मैं तो डर गया था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। उसके बाद ग्रैंपा येजुन को कहते हैं, मिस्टर येजुन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शाओजुन मेरा इकलौता ग्रैंडसन है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं अब और नहीं जी सकता, हम आपके बहुत ग्रेटफुल हैं।
आपने हमें जीने की वजह दी है। उसके बाद ग्रैंपा के बेटा येजून को कहता है, मैंने अभी अभी आपको नीचा दिखाकर आपको नाराज किया है, आप प्लीज मुझे माफ कर दे। उसके बाद वो अपना नाम कहता है, उसका नाम जू चैंग लिन है और ग्रैंपा का नाम जू शी चेन है। फिर वो कहता है, शाओजून को बचाकर आपने हमारी पूरी जान बचाई है, हम इसे जीवन भर याद रखेंगे। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो बस आप हमें बता दीजिएगा, हम निश्चित रूप से मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उसके बाद शाओजून का मॉम येजून को कहती है, लेकिन शाओजून के बीमारी के बारे में क्या, क्या ये फ्यूचर में दोबारा हो सकता है? येजून कहता है, ये कोई बीमारी नहीं है, इससे पहले मैंने आपके डैड को बताया था कि आपके परिवार में फेंगशुई खराब है। गाइस, अब ये फेंगशुई क्या है मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उस विला को छोड़ दो। ग्रैंपा कहते हैं, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने ही पोते को नुकसान पहुंचाया। येजून ग्रैंपा को कहता है, हालांकि मैंने अभी अभी शाओजून के बॉडी से ईवल स्पिरिट को निकालते हुए देखा और वहाँ बहुत सारी बुरी चीजें हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यह फेंगशुई की तरह इतना आसान नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 14 एंड होता है।